आगरा से बड़ी खबर, पुनीत सागर अभियान के तहत ताज के साय में स्वच्छता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। गणतंत्र दिवस शिविर में शामिल होने आए 19 देशों के कैडेट्स ने कार्यक्रम में लिया भाग। 200 विदेशी कैडेट्स के साथ मिलकर एनसीसी कैडेट्स ने चलाया सफाई अभियान। नुक्कड़ नाटक और सफाई कर दिया जल और पर्यावरण बचाने का संदेश। विदेशी कैडेट्स ने जागरूकता कार्यक्रम की जमकर की सराहना। 2 यूपी बटालियन एनसीसी द्वारा स्वच्छता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। देश के नागरिकों को समुद्र और नदियों के किनारे होने वाले प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने और स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा शुरू किए गए पुनीत सागर स्वच्छता अभियान के तहत आज आगरा में 2 यूपी बटालियन एनसीसी द्वारा विश्व प्रसिद्ध ताजमहल के साय में यमुना नदी किनारे स्थित ताजवी पॉइंट पार्क में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गणतंत्र दिवस शिविर में शामिल होने भारत आए न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका, उज्बेकिस्तान, मलेशिया, रूस सहित 19 देशों के 200 से अधिक कैडेट्स और अधिकारियों का पुष्प बरसाकर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान एनसीसी कैडेट्स द्वारा जल और पर्यावरण को बचाने, प्रदूषण को रोकने का नुक्कड़ नाटक कर संदेश दिया गया। बाद में सभी विदेशी कैडेट्स और आगरा के एनसीसी कैडेट्स द्वारा ताजमहल के साय में नदी किनारे स्थित पार्क से प्लास्टिक को एकत्रित कर और गंदगी की सफाई करते हुए यमुना नदी को प्रदूषण से बचाने का संदेश भी दिया गया। न्यूजीलैंड की जुबिका ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से आम लोगों में जागरूकता पैदा होती है। वहीं तजाकिस्तान से आए रमजान ने कहा कि देश के लिए स्वच्छता बहुत जरूरी है और आज ताजमहल से स्वच्छता का संदेश देने का जो कार्य किया गया है वह बहुत प्रशंसनीय है। I love it. It's a really good program and I think just trying to get the young people involved with climate change and it's such a big deal and I think it's a really good program. I love it. यहाँ पर तो हम रिपब्लिक डे कैंप में आया था, जो भी एक ओकेजन चला है तुम्हारा, ये बहुत अच्छा ओकेजन है, मतलब बहुत अच्छा वो है, क्योंकि ये जो क्लीनेस्ट ऑफ कंट्री इज़ द इम्पोर्टेंट, तो हम तो आज यहाँ है तो बहुत खुश होता और थैंक यू फॉर सच ए गुड ओकेजन बिकॉज हम तो अब मौका मिला यहाँ आया तो। ताजमहल भाई ये पूरे दुनिया में शायद ये सबसे जगह है कि बाकी जगह में नहीं मिला है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जगह है और हमारा एक्सपीरियंस हो जाएगा और ये ताजमहल का हमारा कैडेट भी मतलब सरप्राइज होगा कि ऐसे जगह इंडिया में सबसे बहुत ये ब्यूटीफुल प्लेस है, तो हम तो अपने खेले से देखा जाएगा, तो मैंने पहला यहाँ आता था तो कैडेट के वो स्टूडेंट का हमारा बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा जगह है। एक्सलेंट प्रोग्राम, रियली रियली गुड एंड रियली थॉट प्रोवोकिंग एंड या रियली हंबलिंग टू सी टुडे। हम सब ने यानी कि आगरा ग्रुप के एनसीसी कैडेट्स ने 18 से ज़्यादा देशों से आए YEP के कैडेट्स यानी कि यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के कैडेट्स के साथ और एनसीसी ऑफिसर्स के साथ मिलकर ताजमहल के पीछे पुनीत सागर अभियान के तहत सफाई कार्यक्रम चलाया, जिसमें हम सब ने प्लेज ली कि हम भारत को और जो दूसरे देशों के कैडेट्स आए हैं वो अपने देश को स्वच्छ बनाएंगे और पर्यावरण की संरक्षण में अपना योगदान देंगे। दिस अभियान इज ऑल कंसर्न्ड अबाउट क्लीनिंग वाटर बॉडीज एंड सेविंग वाटर फॉर फ्यूचर जनरेशन एंड वी हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस टुडेज प्रोग्राम फ्रॉम लास्ट 10 टू 15 डेज एंड हियर कैडेट्स फ्रॉम 18 to 19 कंट्रीज केम टू सी दिस प्रोग्राम एंड वी होप दैट आर मैसेज गोज टू ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड दैट वी हैव टू प्रिजर्व वाटर एंड वाटर बॉडीज फॉर आर फ्यूचर जनरेशन टू हैव अ ब्राइट फ्यूचर एंड हैव अ कंजर्व लाइफ। पुनीत सागर अभियान DGNCC द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम है जिसमें हम विभिन्न नदियों और कोस्टल एरियाज की सफाई कर रहे हैं, जिसमें इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करना है और इसी के तहत आज ये सफाई अभियान यमुना के किनारे
ताजमहल के पीछे चलाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न देशों से 168 कैडेट्स आए हैं, 18 देशों से बल्कि, और इनको जागरूक करने के लिए हमने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है।